It's gonna feel bad that you're throwing it away and taking a new one. This is how you're gonna treat your girlfriend. तो क्या करूँ? इसको लेके जाऊँ मैं मुंबई तक? Packed. ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो चुका है. सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे मुश्किल काम ये होगा कि अभी सब चीज़ को बाइक पे अंदर डालना. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. अभी मुझे गुड न्यूज़ मिली है कि सोरन पाजी कल रात को अचानक से मुंबई से निकल पड़े और अभी वो ऑलमोस्ट उदयपुर पहुंच रहे हैं. एज वी टॉक राइट नाउ इट्स 12:30 इन द आफ्टरनून और वो बोल रहे हैं कि मैं नॉन स्टॉप चला के आज रात दिल्ली पहुंच जाऊंगा क्योंकि हम भी दिल्ली जा रहे हैं. अब देखते हैं दिल्ली में मिलते हैं कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा बिकॉज एक टाइम के बाद नींद आना शुरू होती है. व्हाट आर यू लुकिंग? आई वाज लुकिंग एट द माउंटेन. Mountain is covered with fog. How do you feel? We're going to be leaving this beautiful view and going back to the metropolitan city. Not good at all. Why? But I feel happy. That's where the home belongs, na? ये तो वापस आ जाएंगे. Home is where the heart is. Oh, किताबी बातें. छोड़ो कल की बातें. कल की बात पुरानी. हम मुंबई कर जाएंगे अपनी ट्रैफिक पे. ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि ऐसे टाइम पे बारिश आ जाएगी. हालांकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आई एम प्रीटी श्योर उन लोगों को होगी. बारिश चालू हो गई, क्या कर सकते हैं, सामान तो हमने रख लिया है. बाकी लोगों ने बोला फटाफट सामान रख लो. देखो भाई ये वर्कआउट करते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू वर्कआउट. यहाँ सुबह सुबह सामान लो, लॉबी में रख दो. लॉबी से कितना लगेगा? ऑनेस्टली मैंने वेदर फोकस भी चेक किया था, यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन आ गई. अभी यहाँ स्लोप से नीचे उतरे, मैं बैग रखने गया था तो बहुत स्लिप हो रहा था. मैंने सब लोगों को बोला संभल के उतरना यार, 225 हो गए, 230 निकल जाना था. जल्दबाजी इसलिए हो रही है बिकॉज चंडीगढ़ से मुझे मेरा BMW का हगर उठाना, टायर जो टूटा था ना वो, और फिर वो लगा के फिर आगे बढ़ना है. तो मुझे दिल्ली को ना 3-4 बजे नहीं पहुँचना है, मेरे को मैक्सिमम 2 बजे तक पहुँच जाना है. रेडी हो जाओ भाई. तो everyone is ready. थोड़ा डिले हो गया के पास. संभल के चल, बहुत स्लीपर है. संभल के चल, टाइट पकड़ के चल. मैं क्यों स्लिप हो रहा हूँ भाई? इतना अच्छा राइडिंग बूट्स पहना है, मैं स्लिप हो रहा हूँ. जुनीत भाई लिविंग फॉर मनाली. बैटरी इज ऑलमोस्ट ओवर. हाँ ओवर. ये भी फट रही है, क्यों झूठ बोलो? मैं सोच रहा हूँ अपना सस्पेंशन जो है थोड़ा लो कर दूँ बिकॉज अभी क्या है बहुत उतरना है. और अगर मेरे पैर ऐसे हवा में रहेंगे, वैसे तो शनिस बेटी के तो हवा में नहीं रहेंगे, बट somehow we'll try to manage. सस्पेंशन लो करके इजी हो गया अभी. भाई थोड़ी फट रही है क्या? ऑल द बेस्ट. टेंशन मत लो भाई. अभी क्या उतरना है, बहुत खतरनाक लोड किया था. ईशान थोड़ा डर रहा है. वो क्या डर रहा है, मेरी खुद की फटी पड़ी है. इसको बोला टेंशन मत लो भाई, कर लेंगे अपन. रेन मोड पे आ गए भाई. इसको बोलते हैं एडवेंचर के. ऐसे टाइम पे बारिश आ गई, फट रही है, बट भाई ये यही एक्सपीरियंस है. बाय बाय डल लेक. अभी क्या मैंने सस्पेंशन लो कर दिया ना तो मुझे कर्व्स टर्न लेने को इतना डिफिकल्टीज नहीं हो रही है. बाकी तो देख लेंगे भाई. अपना गियर अच्छा है, धुल रहा है. गियर जो इतना कीचड़ में हो गया था अभी बारिश में धुल जाएगा. तो बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो, थोड़ा वो इसी बात की घबराहट है कि बाइक स्लिप ना हो जाए. बट कोई नहीं, सीमेंट रोड है, पानी सीधा नीचे जाता है तो कोई टेंशन नहीं है. बाय बाय इलिटरेटिक कैफे, बहुत अच्छा कैफे है. अगली बार आएंगे तो इधर ही बैठेंगे हर दिन. ओके अभी ये टर्न अगर हो गया मतलब सब कुछ हो गया. अरे फील ही नहीं हो तो कमाल. ईशान यू कैन डू इट. माउंटेन ड्यू पहले डर के आगे जीते ना. यही प्रॉब्लम है. गाड़ी आती ना इधर, शनिस गाड़ी आ रही. एक मिनट, एक मैं पेट्रोल पंप पे शनिस को बोल रहा था कि रेन पैंट निकाल दे, बोलती नहीं आगे बारिश आई तो बादल दिख रहे थे और ये तेज़ बारिश आ गई और बिजली भी कड़क रही है यार ये तो. हाँ क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ. क्या बात है भाई, धर्मशाला थोड़ा अलग ही लग रहा है बारिश में, तेज़ बारिश. तो सब कुछ बंद हो गया था तो हम लोग यहाँ रुके थे फूड सफारी में. भाई यहाँ पार्क की थी, खाना लिया था और गए थे. एकदम थके थके से थे हम लोग. दिस इज़ नॉट समथिंग यू सी एवरी डे. तेज़ बारिश और धूप, एकदम सूरज देवता. पता नहीं सूरज देवता ने कौन सा कट मार के गैप निकाला है अपनी लाइट का प्रकोप बिछाने के लिए. लायन एंड लायनेस गेटिंग मैरिड अकॉर्डिंग टू शनिस. ये आते टाइम टनल आया था और बहुत ही विचित्र टनल है. देखो ऐसा लग रहा है कि अभी फ्रेश फ्रेश खोदा है, जो कि फ्रेश फ्रेश खोदा नहीं रहेगा और पानी गिरता रहता है. ये देखो ना अजीब गरीब खोदा है इसको. ऐसा क्यों खोदा है मेरे को आइडिया नहीं है. प्रॉब्लम इसको और ऊंचा कर रहेंगे. मधुमक्खी का छत्ता लगता है ये अकॉर्डिंग टू शनिस. फाइनली रोक दिया बिकॉज सबको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी. अपने को तो कुछ नहीं, अपना तो गोर-टेक्स है. तो यहाँ पर सब लोग है अपना रेनकोट निकाल रहे हैं. शोभित ने तो बोला था क्या, मुझे गर्मी नहीं लग रही, तुझे ही लग रही थी. लेकिन भाई उन लोग को बिकॉज इंजन का हीट आता है ना शानिस. शोभित तो बोला कि भाई तू नहीं रुक रहा तो मैं रुक रहा हूँ, मैं तो भाई चलते चलते निकाल दूंगा. सब लोगों ने निकाल दिया अभी. चलो कोई नहीं, लेट्स गेट बैक टू द रोड. चलो भाई सबको अच्छा लग रहा है रेनकोट उतार के, हवा हवा सब अभी आ रही है. यार हम लोगों ने पूरा रास्ता गाँव से चलाया है. चलो ये तो अभी खड्डा आया, 30-40 किलोमीटर से इतना अच्छा रास्ता है. बाबा रे बाबा, मतलब कि थोड़ा तेज चलाने को डर लग रहा है कि भाई यू नो कोई सामने से ना आ जाए, ऐसा कुछ रुक ना जाए. ये अपन ने पंजाब है, हरियाणा है, ये नहीं पता बिकॉज सब गाड़ियाँ HP लिखी हुई है. टेक्निकली उन्होंने बॉर्डर तो क्रॉस किया है बट आई डोंट नो. अरे हम लोग चल रहे नंगल ड्रैम, ये है पटरी और ये खड्डे. अरे ऊपर टेक करूँ कि नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा. अरे भाई जी 33 डिग्री सेल्सियस.
थैंक यू सो मच। सो नाउ वी हैव रीच्ड चंडीगढ़, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में। कहाँ एग्जैक्टली चंडीगढ़ में? रोड रनर नहीं, एरिया एरिया इंडस्ट्रियल, हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया, हम लोग अभी हार्ट ऑफ द चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में है। यहाँ से हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, टोटल 10 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पड़ गया, बट एटलीस्ट मुझे मेरा नया हगर मिल गया। अभी इसको बाइक पर इंस्टॉल करेंगे, रैप ऑर्डर किया है, वो खाएंगे और निकल जाएंगे। कमाल की बात है, दिन में जब 33 दिखा रहा था तो इतना गर्म नहीं था, अभी रात में जब 33 हुआ तो क्या ह्यूमिडिटी बढ़ी है बॉस। चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, टाइगर की गर्मी, टाइगर की गर्म हवा और भी ह्यूमिडिटी दिखा। टाइगर टाइगर है ना, ऑफ कोर्स। अब ये है पुराना वाला और ये है नया वाला, तो अभी ये शोभित भाई फिट करेगा या मैं फिट करूं? मैं करता हूं। चलो भाई, इट्स गोना फील बैड दैट यू आर थ्रोइंग इट अवे एंड टेकिंग अ न्यू वन। दिस इज हाउ यू गोना ट्रीट योर गर्लफ्रेंड। क्या करूं, इसको लेके जाऊं मैं मुंबई तक? हाँ एक्चुअली जो भाई अभी डाल दो उसको, इसको मुंबई तक लेके जाना है। इसको अच्छे से, हाँ इसको अच्छे से वॉश करूँगा, पॉलिश करूँगा और घर के अंदर रखूँगा कुछ सामान रखने के लिए। डाल दो अटका दो। थैंक यू दिशान फॉर कैरिंग दिस। हाँ ऐसे ही लगेगा, नया पूरी बाइक गंदी और ये नया। दिल्ली पहुँचने तक गंदा हो जाएगा, टेंशन मत ले। अभी रुके थे तो सोचा खाना भी खा ले। चेयर्स शानिस, चेयर्स टू अ पनीर रैप। दिशान भी पनीर रैप खा रहा है, शोभित पनीर रैप, सब आज पनीर रैप ही खा रहे हैं रोड रनर स्टोर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, सॉरी, एक मिनट। हाँ हेलो, हो गया। तो घंटों भर से हमारी बाइक चली रही है, अभी दिल्ली बता रहा है 154, जो कि हम लोग फटफट पहुंच जाएंगे। गुड थिंग इज दैट अभी सोरन पाजी से बात हुई, सोरन पाजी इज़ ऑल्सो 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, बट ही इज़ नॉट गोना बी स्टेइंग इन आर होटल, इज गोना बी स्टेइंग विद हिज फ्रेंड। तो प्रॉब्ली आज रात को तो उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन कल जो है ज़रूर मिलेंगे। ये रोड पे रात का क्या सीन है, बहुत अच्छा रोड है, लेकिन ऑफकोर्स हमको थोड़ा संभल कर चलाना पड़ता है, बिकॉज नज़र हटी दुर्घटना घटी, स्पेशली फिट फॉर दिस रोड। तो बस संभल कर चलाओ, ट्रक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बाकी मिलते हैं सीधा होटल पहुँच के, बिकॉज इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर रुकेंगे तो कुछ दिखा देंगे, बट रुकने का कोई इरादा तो है नहीं हमारा, बाकी भगवान चाहेगा तो रुक जाएंगे। फुल एकदम फुल करने का, ऑल गुड। चलिए, अपनी बाइक में तो पेट्रोल है, टाइगर को पेट्रोल चाहिए, टाइगर को भूख बहुत लगती है। हाँ है क्या? नहीं है, जिसमें को धोखा हुआ कि उसके हेलमेट में कीड़ा गया। कीड़ा है बताओ, निकालो ना। दिशान डर रहा है कीड़ा निकालने का। तो बहुत कम टोल प्लाजा में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो काम करते हैं वो हमारी हेल्प करे, असिस्ट करे। अभी वही हो रहा है कि लेफ्ट साइड में बहुत ट्रक ट्रैफिक था, तो ये बंदे लोगों ने आके सब रोका ट्रैफिक और हम लोग को जाने दे रहे हैं। थैंक यू भाई। नहीं भैया नहीं जाएगी। अच्छा रुक जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। भैया किले किला लगा हुआ है, ये खोल दो ना, वो वाला, ये सामने बाय बाय। किधर गया भाई दूसरे? बाय बाय। हाँ दिशान और अब्दुस भाई एक दूसरा डाइवर्शन ले रहे हैं। बाय। 550 किलोमीटर आज टोटल किए हैं, सुनने को बहुत कम लगते हैं मेरे लिए, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज आधा तो हम लोगों ने घाट उतरा, फिर चंडीगढ़ डाइवर्जन लिया मेरा वो टायर हकड़ डालने के लिए, एंड देन स्लोली आए। बहुत ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक थी बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिशान अब्दुस भाई निकल गए अजमेर की तरफ, मुझे दिल्ली में कुछ काम था तो मैं रुक गया। शोभित भी जो है अभी रूम में जाके सो जाएगा और कल निकल जाने वाला है वो भोपाल, तो मैं 2-3 दिन रहूँगा। सोरनबाजी जो है दिल्ली से अभी कुछ अराउंड 150 किलोमीटर दूर है, तो वो सुबह आएंगे, तब तक मैं सो जाऊँगा, तो सीधा कल ही उनको मिलूंगा। ही स्टेइंग विद हिज सम फैमिली फ्रेंड्स ओवर देयर, मैं तो होटल में रह रहा हूँ भाई, तो कल ही मिलेंगे। लेट्स सी, वो बोले भाई मैं तो अभी 24 घंटा उठने वाला नहीं हूँ, तो उठेंगे तो ही आप अगले ब्लॉग में देखोगे। एक्चुअली अगला ब्लॉग कुछ और होने वाला है, वो तो आपको अगले ब्लॉग में मालूम पड़ेगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक देखने के बाद लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और हम सबकी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच, आपने हम सब लोगों को इतना प्यार दिया। राइड जो है आप लोग की दुआ की वजह से बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई। तो विद दैट सेड एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। आई लव यू फ्रेंड्स, कीप शॉपिंग Label Lemon. कुछ टाइम के लिए अभी शोभित के मुझे सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे मुझे सुनने को मिलेगा। ऑल्सो Label Lemon का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करो, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। अभी हम बहुत सीरियस, बिकॉज रजिस्टर्ड हो गया, हमारा वही एम था रजिस्टर्ड होने का, और कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ स्लो हो गई थी, अभी बहुत सारी चीज़ फास्ट होगी। थैंक यू, अडियोस अमिगोस। अभी मेरी आगे से तो हो रही है, कुछ ऑर्डर करते खाते और फिर सोते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ।